वेलकम टू माय चैनल नेट एजुकेशन। सो दिस चैनल इज़ फॉर ऑल द ईएनटी यूजीसी नेट एनजीआरएफ एस्पिरेंट्स, दोस हू आर प्रिपेयरिंग फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर 2। सो कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है ये यूनिट 8 के साथ डील करेगा। ये हमारी नई यूनिट स्टार्ट हुई है। जैसे कि आपको पता है, हम सारे के सारे यूनिट साथ के साथ कवर करते जा रहे हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बरकरार रहे और प्रैक्टिस इसी तरीके से हमारी चलती रहे। अभी फ़िलहाल में ही हमने अपनी यूनिट 5 की कंप्लीट सीरीज़ सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे यूनिट्स के पार्ट्स डिटेल में डिस्कस करे हैं। तो आज की जो यूनिट 8 है इसको भी हम एज अ सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारे जो टॉपिक्स है ये चलते जाएंगे। आज का जो सेशन है बेसिकली यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, इसको कैसे यूज़ करते हैं हम एज अ डिसिप्लिन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इनके मीडिया क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हमारी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हुई, ओरिजिन हुआ उसका कैसे, किस तरीके से चार के चार या पांच यहाँ पे स्टेजेस होते हैं इवोल्यूशन के यहाँ पे, तो इन सबको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ICT। अब ICT क्या है ये भी देखेंगे और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ MCQs करेंगे। और आज का जो सेशन है मेनली मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप इसको, हालांकि यूनिट 8 स्पेसिफिकली डील करता है हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट से, लेकिन इसके अंदर आज के जो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ आपके पेपर 2 के लिए सही रहेंगे, वैलिड रहेंगे, रेलिवेंट रहेंगे, नीतो इसके साथ साथ जो हमारा पेपर 1 है, हमारा जो कॉमन पेपर है उसके साथ भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये रेलिवेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम दोनों को ही ध्यान में रखते हुए ये सेशन को कंटिन्यू करेंगे और कोई भी डाउट होगा इस सेशन से रिलेटेड तो ज़रूर पूछना। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये सेशन एप्लीकेबल है। सो विदाउट फर्दर गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन। सो एज ऑफ नाउ आई डिस्कस विद यू कि क्या क्या हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, क्योंकि हमारा अभी ये ए पार्ट से डील कर रहा है तो ए पार्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स है, ये ET क्या है, ICT क्या है, इंस्ट्रक्शन मीडिया एप्लीकेशंस क्या है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल और ये सब कुछ क्या है एजुकेशन सिस्टम, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा कल या फिर इसके परसों जो सेशन होगा उसके अंदर हम ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको लिंक तब मिल जाएगा जब ये सेशन आएगा। तो आज सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ET क्या है। सो फ्रेंड, जब भी हम यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपके माइंड में ये हमेशा क्लिक करता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, किसके पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, कि एजुकेशन में कौन कौन सी ऐसे टेक्निक्स, कौन कौन सी ऐसे टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है जो कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर रही है। जब भी हम टेक्नोलॉजी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सिंपली सी एक ले मैन लैंग्वेज में एक डेफिनेशन है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। एक ऐसी हमारी फील्ड है स्टडी की जो कि इन्वेस्टिगेट्स करता है हमारा प्रोसेस, जिसके अंदर एनालाइजिंग हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके साथ साथ इवेलुएट कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट को और लर्निंग मटेरियल्स को, ताकि हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। तो इसलिए हम यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी को, फील्ड को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कि मेनली क्या है, एजुकेशन की जो फील्ड में जो टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ हो रही है हर एक स्टेप पे, चाहे यहाँ पे एनालिसिस करना है या डिज़ाइन करना है कंटेंट का, मटेरियल्स का, करिकुलम का, या डेवलप करना है या इम्प्लीमेंट करना है उसे ग्राउंड पे, या इवेलुएट करना है, तो हर जगह हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये आपकी दो चीज़ से मिलकर बनी है। ठीक है, अब ET यानी कि ई मतलब एजुकेशनल और टी मतलब टेक्नोलॉजी। जब भी टी यानी कि टेक्नोलॉजी की बात आती है तो टेक्नोलॉजी क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी एक तरह की ब्रांच है एडवांस साइंटिफिक स्टडी की, जो कि जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है हमारा हाईली डिजाइन और सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये नहीं भूलना, जब भी हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज आती है, सॉफ्टवेयर
और इसके साथ साथ हार्डवेयर, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों के बारे में यहाँ पे नॉलेज दी जाती है, एक तरह की साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है हमारी, बेसिकली क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन है हमारी नॉलेज का प्रैक्टिकल एंड में, मतलब प्रैक्टिकलिटी है कि किस तरीके से हम अपनी जो नॉलेज को अप्लाई कर पाए प्रैक्टिकल टर्म्स में। और टेक्नोलॉजी का क्या रिजल्ट होता है कि बेसिकली यहाँ पे क्या करना, जो डिवाइसेस को इम्प्रूव करना, ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, इसलिए हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी बात आ रही है एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हमें पता है कि एक तरह का प्रोसेस है कि हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, सोशलाइजेशन करता है, सोशल एफिशिएंसी बढ़ाता है, एडजस्टमेंट कराता है एनवायरनमेंट की। तो जब ये दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं तो दोनों काम करते हैं हमारे एजुकेशन को, की टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है हमारे एजुकेशन में और उसको एनहांस कराने में हमारी मदद करता है, ठीक है। दोनों की दोनों डेफिनेशन आपको समझ आई कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक तरह की फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेट होता है प्रोसेस, सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट होता है, चाहे वो एनालिसिस हो, डिजाइनिंग हो, डेवलपिंग हो। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन दो टर्म से मिलकर बना है। टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन क्या है कि मेनली हमारा एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, हमारे अंदर एटीट्यूड के अंदर चेंजेस लेकर आता है, एडजस्टमेंट करवाता है, हमारी हेल्प करता है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो, साथ के साथ हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये हमारी एक सिंपल सी लेमन लैंग्वेज थी। अब जब भी हम यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अब आपको पता है कि 21st century है, अब इसके अंदर हम मेनली जो कन्वेंशनल स्टडीज़ है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं स्टडी के लिए, टेक्स्ट बुक का, यहाँ पे प्रिंट मटेरियल का, तो अब वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो नीड है वो एनहांस हो चुकी है, नीड हमारी बदल चुकी है समय के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई, ठीक है, डिजिटलाइज हो गई है सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे डिजिटलाइज होने के साथ साथ यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो भी है, अब जो मटेरियल्स है वो डेवलप हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम कन्वेंशनल मेथड से सीखें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ग्लोबलाइज बनाए, बच्चों की नीड्स को फुलफिल करें, जो 21st century की नीड्स है उसको केटर करें, तो उसके लिए हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का माध्यम अपनाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जब भी हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशनल के जो एजुकेशन को एनहांस करने की बात नहीं कर रहे, इसके साथ साथ हम ऑल ओवर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, ओवरऑल इवेलुएशन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं, इसके साथ साथ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, फील्ड कैसे होनी चाहिए लर्निंग की, टीचिंग की, तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट को हम केटर करते हैं जब भी हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको दी हुई है। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो कि किस किस ने दी है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारी एजुकेशन की, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये हमें NPE ने दी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने दी है। एक टर्म मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि जब भी हम यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, लर्निंग टेक्नोलॉजी है, तो ये दोनों ही इनके नाम है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, कन्फ्यूज नहीं होना है, इनके नेम जो अलग अलग है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आ रही आती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है अकॉर्डिंग टू NPE, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमारी मेनली ये रेफर करती है, ऑफर करती है कि एक तरह का मीन कि किस तरीके से हम यहाँ पे लार्ज ऑडियंस की तरफ पहुँच पाए, रिमोट एरियाज में हम जा पाए, ताकि वो भी जो टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाए, टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस को वो एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक आपको एक तरह का माध्यम देता है, ऑफर करता है, ताकि हम लार्ज नंबर नंबर्स के पास, लार्ज ऑडियंस के पास, स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाए रिमोट एरियाज में, और ऐसे एरियाज में जो कि आसानी से एक्सेसिबल नहीं होते, डिस्पैरिटी को रिमूव करा पाए, एजुकेशन को फैसिलिटेट कर पाए, तो इसके लिए हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है कि किस तरह से हम लर्निंग की जो प्रोसेस को कन्वीनियंट बना पाए,
बच्चों की नीड्स को केटर कर पाए। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आपको दी हुई है एनपीई ने 1986 में। इसके अलावा जो दूसरी डेफिनेशन है आपको यूनेस्को ने दी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ये जो डेफिनेशन है इन्होंने ये दी हुई है। ये क्या कह रही है यूनेस्को, तो ये देख लेते हैं। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोसेस है। क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि क्या है, वो आपके एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड का बिहेवियरल साइंस में। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेनली क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि एक तरह की एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की, किसके अंदर, बिहेवियरल साइंसेस के अंदर, टीचिंग लर्निंग की। ठीक है, अब इस कम्युनिकेशन के अंदर क्या रिक्वायर होता है, हर तरीके के माध्यम, हर तरीके के मीडियम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, रेडियो, कैसेट्स। तो ये आपको किसने दी है, यूनेस्को ने दी है। तो यहाँ पे जो यूनेस्को है इसकी आप देख लो फुल फॉर्म क्या है कि यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है यूनेस्को की। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, यूनेस्को के अकॉर्डिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ये है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब बारी आती है विकिपीडिया की, जो सरल भाषा में जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक तरह का यूज़ है टेक्नोलॉजी का, हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर पाए, सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ कर पाए, यहाँ पे इटरेटिव प्रोसेस को समझ पाए, डिज़ाइन कर पाए अपने इंस्ट्रक्शंस को, ट्रेनिंग को हम एनहांस कर पाए, इम्प्रूव कर पाए परफॉर्मेंस को, तो इसलिए हम यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक, अब सम अप कर लेते हैं इसको, हमने अभी तक क्या क्या सीखा, हमने ये देखा बेसिकली, हमने डेफिनेशन देखी थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक तरह की साइंस है जिसके अंदर हम साइंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी है जो हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं ताकि हम स्पेसिफिकली जो एजुकेशनल गोल्स है उन्हें हम अचीव कर पाए। एक तरह का मैकेनाइजेशन है एजुकेशनल प्रोसेस का, जो कि मेनली तीन फेज में होता है। और तीन फेज कौन कौन से हैं, प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, कि किस तरीके से हम नॉलेज को प्रिजर्व करें, संभाल कर रखें, अपने कल्चर को इस तरह से ट्रांसमिट कर पाए, जो नॉलेज है एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट कर पाए, ट्रांसफ़र कर पाए डिफरेंट चैनल से, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट कर पाए अपनी नॉलेज का। तो ये इसकी एक तरह का मैकेनाइजेशन है जो कि ईटी के अंदर आता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसके साथ साथ हम एक और हमने चीज़ सीखी कि एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमारा एक तरह का अटैम्प्ट है कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें बाय यूजिंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल और हमारे एजुकेशन को प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बना पाए। तो ये हमारा ईटी हो चुका है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, हमने एक तरह का इंट्रोडक्शन ले लिया है। ठीक है, अब बारी आती है हमारी करैक्टरिस्टिक्स समझने की कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, तो वो देख लेते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक तरह का अडॉप्शन है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का। इन्वेशंस इसके अंदर आते हैं कि किस तरीके से जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सेक्टर को, तो उसको हम क्या कन्फ्रंट कर पाए, उसके साथ डील कर पाए। ठीक है, इसके अलावा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये क्या लोकेट करती है, एक तरह की प्रॉब्लम को जो कि हमारे एजुकेशन फील्ड में है, एक तरह की रेमेडी प्रोवाइड करती है, एक तरह का अल्टीमेटली इसका एम होता है कि हमारे जो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम है उसे इम्प्रूव कर देना। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरा करैक्टरिस्टिक्स ये है कि फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को किड्स के बीच में, टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि हम बच्चों के जो गोल है उसको अकॉम्प्लिश करवाने में मदद करें, ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश कराए। इसके साथ साथ ये हमारा एक तरह का टेक्निकल नॉलेज होती है, सिस्टमेटिकली तरीके से चलती है और ऐसे फील्ड ऑफ स्टडी होती है,
फील्ड ऑफ एजुकेशन होती है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर पाए, प्रैक्टिकल गोल्स को गेन कर पाए, अचीव कर पाए, और जिसका क्या पोटेंशियल होता है मेनली कि हम यहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन को एम्पार्ट करें लार्ज ऑडियंसेस को, ऐसी रिमोट एरियाज में जो कि आसानी से एक्सेस नहीं कर पा रहे एजुकेशन को, तो वहाँ पे भी हम एजुकेशन को पहुँचा पाए। अब फ्रेंड्स मेनली यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, अब यहाँ पे टेलीविजन के थ्रू जो ब्रॉडकास्टिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, एडुसेट, ठीक है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, हमारे MHRD ने स्वयं हो गया, ठीक है, MHRD ने जो इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे स्वयं हो गया, जिसके अंदर 34 D2H चैनल्स यहाँ पे अवेलेबल है डायरेक्ट टू होम, ठीक है, जो कि क्या करते हैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे एरियाज में जो कि इनएक्सेसिबल है, रिमोट एरियाज है। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से पॉसिबल हो पाया है कि हम घर घर बच्चों को यहाँ पे एजुकेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ही है, MHRD का इनिशिएटिव ही है जो कि हेल्प कर रहा है इन 34 स्वयं के जो चैनल्स है, ताकि इन चैनल्स का बच्चे इजीली एक्सेस कर पाए, घर बैठे आराम से पढ़ पाए। अब जैसे कि आप देखोगे पैंडेमिक सिचुएशन थी, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना लॉस में चला जाता, लेकिन उस लॉस को यहाँ पे किस तरीके से कवर अप किया, क्या किया, यहाँ पे घर घर एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन दी, कई तरीके के यहाँ पे आप लेक्चर्स देखने को मिलेंगे स्वयं के चैनल्स पे, यहाँ पे IIT खड़गपुर के, IIT मैनेजमेंट के, IIT कानपुर के, कई सारे यहाँ पे लेक्चरर्स आते हैं जो कि लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। इसके साथ साथ स्कूल बेस्ड एजुकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे 9th to 12th क्लास तक के स्टैंडर्ड के बच्चों को यहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कि किस तरीके से हम यहाँ पे सिचुएशंस को के साथ डील करते हुए बच्चों को इजी तरीके से पढ़ा पाए, जो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे उनके पास भी एजुकेशन पहुँच पाए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ताकि हर एक तबके को इक्वली एजुकेशन मिल पाए। अब बारी आती है ओरिजिन कैसे हुआ है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। अब ये बहुत फन फैक्ट है और जानने वाली बात है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि एजुकेशन का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो सिर्फ हम से ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिन हुआ है मेनली, ये हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि स्टोन एज में, ब्रॉन एज में, आयरन एज में, मतलब बहुत पुरानी एंशंट में अगर आप जाओगे देखोगे तो किस तरीके से हमारा जो एजुकेशनल की जो टेक्नोलॉजी है वो ओरिजिन हुई है, इवॉल्व हुई है। और यहाँ पे सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं, इसके साथ साथ अलग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जाकि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वो भी हमें टेक्नोलॉजी जानने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है स्टोन एज में, ठीक है, स्टोन एज एक ऐसी स्टेज की जब यहाँ पे जो लोगों के पास कोई सर्वाइवल का कोई एस सच जैसे कि LPG होना, यहाँ पे गैस होना पॉसिबल नहीं होता था, तो कि वो क्या करते थे, पत्थर को रगड़ के वो आग जलाया करते थे। तो उसी स्टेज में टेक्नोलॉजी कैसी कैसी डेवलप हुई थी और इन लोगों ने ही यहाँ पे डेवलप की थी। अब जैसे कि आप स्टोन एज में देखोगे कि आपको पता है कि यहाँ पे स्टोन को रब करके जो आग को जलाया जा रहा है, तो उसी समय आप कई तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हुई, जैसे कि अपने जो लोग हैं वो खुद वेपन्स बनाने लगे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। और आप ये नोटिस करोगे कि जब भी इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करता है तो कई तरीके की इन्वेंशंस अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इन्वेंशंस कैसे हुए, वो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे ओशन वर्दी आउट रिगर कनोए शिप टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे डेवलप हुई थी स्टोन एज के समय। इसमें क्या होता था कि किस तरीके से सामान समुद्र के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे शिप बनी, तो ये भी इंसान ने बनाई। अब सर्वाइवल करना है, ज़रूरतों को पूरा करना है, तो इन्वेंशंस तो साथ के साथ होते रहेंगे, तो वो इन्वेंशंस भी इसी स्टेज में हुई, टेक्नोलॉजी कई तरीके की डेवलप हुई। जैसे ओशन वर्दी आउटरिगर कनोपी शिप टेक्नोलॉजी है, ये डेवलप हुई थी कि किस तरीके से सामान को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे माइग्रेट कराया जाए। सेलिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे डेवलप हुई, एस्ट्रो नेविगेशन उस जमाने में, स्टोन एज के जमाने में भी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप यहाँ पे डेवलप हुई थी। और ये डेवलप किसने की थी, उस समय के लोगों ने, ठीक है, लोकल लोगों ने यहाँ पे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हुई। इसके अलावा जब लेटर स्टोन एज में आप देखोगे तो उधर कैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कि जो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स है वो यहाँ पे बनाए जाते थे पत्थरों से,
हार्ड रॉक से ये जो यहाँ पे स्टोन बनाए जाते थे, पॉलिश स्टोन बनाए जाते थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर या आईटी टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी कैसे भी हो सकती है जो इंसान की मदद कर रही है, उसके उसके काम को आसान बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की जो स्टोन एज थी उसके अंदर जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई तरीके की चीज़ें यहाँ डेवलप हुई, एनिमल डोमेस्टिकेशन किस तरीके से कराए, अडॉप्शन हुआ कई तरीके के परमानेंट सेटलमेंट्स का, मेटल स्मेल्टिंग भी यहाँ पे हुई थी कॉपर की और लेटर ब्रोंज की, अलॉय बनाए गए थे टीन और कॉपर के, तो ये भी उसी समय यानी कि न्यूलिथिक पीरियड के दौरान यह टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। इसके अलावा जो आयरन एज है, आयरन एज के अंदर भी कई तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हुई, जैसे कि लोगों ने क्या किया यहाँ पे पूरी तरह से जो ब्रॉन्ज है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और आयरन यहाँ पे आया। ठीक है, क्योंकि पहले क्या करते थे कि टीन के चीज़ों को यहाँ पे अलॉय बनाते थे, टीन का, कॉपर का, ये सब धातुओं का, ये सब मेटल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से डेवलपमेंट होता गया यहाँ पे लोगों को समझ आती गई तो उन्होंने कई तरीके की रिप्लेसमेंट भी किए जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती थी, और यहाँ पे जैसे ब्रोंज का यूज़ होता था तो वो अब आयरन का यूज़ करने लगे, आयरन को पिघलाने लगे, उससे यूटेंसिल्स बनाने लग गए, बर्तन बनाने लगे यहाँ पे, ताकि जो कि ब्रोंज से थोड़े सस्ते मिलते थे, तो इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होता गया। अब आप अपने घर में भी नोटिस करोगे कि पहले जमाने में क्या होता था कि हम कांसे के बर्तन में चीज़ें लिया करते थे, कांसे के लोटे में पानी पिया करते थे, लेकिन जिस तरह से अब क्या हो गया, एकदम से अब स्टील के गिलास हो गए, कांच के गिलास हो गए, यहाँ पे मेलामाइन की क्रॉकरीज आ गई, तो इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होता गया टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ती गई। तो उसी तरीके से आपको दिखाया कि किस तरीके से तीन पीरियड में यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का ओरिजिन हुआ। फिर इसके बाद आपका एंशियंट सिविलाइजेशन आया था। अब इस एंशियंट सिविलाइजेशन आपका ये थोड़ा नया है स्टोन एज से। अब इसके अंदर क्या हुआ यहाँ पे भी कई तरीके की, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन आई, एंशियंट इजिप्शियन लैंग्वेजेस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या आई टेक्नोलॉजी ओरिजिन हुई थी। अब जैसे कि अगर आप देखोगे पॉल सेटलर 2004 के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये एंशियंट समय में भी हम इसका अंश देख सकते थे। ठीक है, जिस वहाँ पे क्या होता था कि जो ट्राइबल प्रिस्ट है वो क्या करते थे, अपने जो जैसे धर्म के जो उनके जो वर्सेस है, जो चैंट्स है, जो उनके उपदेश होते थे, तो उनको वो क्या करा करते थे, एक तरह का पिक्टोग्राफ उन्होंने इन्वेंट किया, और वो क्या क्या करते थे कि इस जो पत्थर पे लिख देना, पत्तों पे लिख देना, तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है कि जो भी प्रीचिंग्स थी उनके गुरु की, उनके महात्माओं की, तो उनको आगे जाके किस तरीके से प्रिजर्व करके रखें, किस तरीके से उनका कल्चर आगे ट्रांसमिट करें, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे कई तरीके की जैसे पिक्टोग्राफ्स बनाना स्टार्ट कर दिया, साइन राइटिंग होने लगी यहाँ पे, इस तरीके से वो अपनी जो इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच में ट्रांसमिट करने लगे। उसी दौरान यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पीएन राव के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तरह की अपनी स्टडी जो पब्लिश की थी और उसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे स्क्रिप्ट का पैटर्न इवॉल्व हुआ था। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता था कि पत्थरों पे जो चीज़ें लिखा करते थे, ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि पत्थरों पे वो किस तरीके से वो चीज़ों को लिखते थे, किस तरीके से संग्रहित करते थे, तो ये सब कुछ इवॉल्व हुआ। फिर बाद में जाके आया हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन। अब चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर क्या आ गया, पेपर आ गया। अब पहले तो वो स्टोन पे लिखा करते थे, पत्तों पे लिखा करते थे, पिक्टोग्राफ्स होते थे, साइन राइटिंग होती थी। जैसे शिप कलाएं आप देखोगे, कहीं जाओगे विजिट करोगे, कहीं पे म्यूजियम्स में जाते हो तो पत्थरों की जो लिखाई होती थी, चित्रकला होती थी, तो वो किया करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता गया यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और फिर चाइनीज सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले पेपर इन्वेंट हुआ था। अब पेपर आ गया, पेपर के साथ साथ कई तरीके की और प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे कि टॉयलेट पेपर भी इधर आया, सेस्मोलॉजिकल डिटेक्टर्स यहाँ पे आए, मैचेस आई थी, माचिस आई, आयरन प्लग आया, मल्टीट्यूब
सीड ड्रिल आया, तो कई तरीके की टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी जो घर गृहस्थी की जो टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पे छोटे छोटे काम करने के लिए, वो यहाँ पे डेवलप हुई। इसके साथ साथ जब आप देखोगे एंशियंट इजिप्शियन में, तो एंशियंट इजिप्शियन में भी यहाँ पे कुछ अंश प्राप्त हुए थे स्क्रिप्ट के। तो यहाँ पे जो मेनली जो स्क्रिप्ट कैसे लिखा करते थे, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते थे, तो उसके लिए वो क्या करते थे, वो कुछ पिक्चर्स वहाँ पे बनाते थे, कुछ सिंबल्स वहाँ पे क्रिएट करते थे, और उन सिंबल से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी हुई। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, और जो पिक्चर्स जो कि वो बनाते थे एंशियंट इजिप्शियन के दौरान, तो वहाँ पे उन पिक्चर्स को हम क्या कहते थे, हायरोग्लाफिक्स कहते थे। ठीक है, हायरोग्लाफिक्स इनको हम कहते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तरह की हिस्ट्री है। आपको जानकर यहाँ पे अच्छा लगा होगा कि किस किस तरीके से यहाँ पे जो इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर बाद में आया हमारा मॉडर्न, मतलब जो बीच का जो मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। अब इसके अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तो अब मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिमाग में नाम आना चाहिए प्रिंटिंग प्रेस का। ठीक है, प्रिंटिंग सबसे पहले आई थी मॉडर्न पीरियड में, 1450 में एडी में। यहाँ पे जोहनस गुटेनबर्ग जो कि जर्मन इन्वेंटर थे, इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जिसको हम क्या कहते थे, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कहते थे। प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे आई। फिर जब बाद में प्री इंडस्ट्रियल फेजेस हुआ यहाँ पे, तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस है वो कम्प्लीटली किसके पे रिलाय होने लग गया, जैसे कि यहाँ पे चौक आ गया, ब्लैक बोर्ड आ गया, स्लेट आ गई, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे इवॉल्व हुई प्रिंटिंग प्रेस के बाद। फिर 1873 में यहाँ पे अर्ली हिस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी में ऑडियो विजुअल एजुकेशन आ गई। ठीक है, पहले तख्ती पर लिखते थे, स्लेट पर लिखते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे चौक से। फिर बाद में जाके टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हुई कि यहाँ पे आपके क्या आ गई, ऑडियो विजुअल का माध्यम हमने यूज़ करने लगे, ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पे यूज़ करने लगे, प्रिंट मीडिया यहाँ पे यूज़ करने लगे, चार्ट्स यूज़ करने लगे। तो ये धीरे धीरे करके हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होती गई। अब देखोगे मारिया मोंटेसरी फेमस नाम है यहाँ पे। मारिया मोंटेसरी ने क्या किया था उनके दौरान, यहाँ पे उन्होंने कई तरीके के ऐसे मेथड्स जनरेट किए थे, ओरिजिनेट किए थे, और कई तरीके के मटेरियल्स बनाए थे कि किस तरीके से हम बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को केटर कर पाए। अब मारिया मोंटेसरी का सबसे फेमस चीज़ है कि ये सेंसेस का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाती थी, कि बच्चों के ही सेंसेस का डेवलपमेंट कराया जाए, बच्चे टच करके सीखे, स्मेल करके सीखे। तो ये इस तरीके से ये एड इन्होंने बनाए ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, तो वो भी इस पीरियड के दौरान आया। इसके साथ साथ चार्ल्स वेबज, अब चार्ल्स वेबज कम्प्लीटली ये मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ चले गया, अब यहाँ से कंप्यूटर की दुनिया स्टार्ट होगी। ठीक है, चार्ल्स वेबज ने जो कि 1833 में आए थे, इन्होंने क्या किया, एक तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस की जो फाउंडेशन है वो लेड की, वो फाउंडेशन इन्होंने बनाई, मॉडर्न कंप्यूटर इन्होंने दिया। 1943 में सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन आई थी हमारी। ठीक है, जो कि कौन लेकर आया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन लेके आई थी, जो यूएसए की कंपनी थी, यानी कि IBM। चार्ल्स वेबज ने मॉडर्न कंप्यूटर बनाया। फिर इसके बाद हमारी मशीन आई, फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन आई थी, वो कंप्यूटिंग मशीन किसने बनाई थी, IBM ने बनाई थी, IBM इन्होंने बनाई थी। ठीक है, IBM ने अपनी कंप्यूटिंग जो मशीन है ये डेवलप की थी 1943 में। ठीक है, फिर बाद में जाके कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आया, जो कि ओके मोरी ने यहाँ पे डेवलप किया था। इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर के फंक्शंस कैसे है, टाइप राइटर क्या है, तो ये सब कुछ इन्होंने डेवलप किया, टॉकिंग टाइप राइटर, और इसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, तो ये इन्होंने डेवलप किया था। फिर सिडनी पर से जो साइकोलॉजिस्ट थे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के, इन्होंने सेल्फ टीचिंग मशीन डेवलप की थी, जिसको ड्रम ट्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो आपको जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चार्ल्स वेबज यहाँ पे फेमस है, चार्ल्स वेबज तो लिख लो, और इसके साथ साथ IBM ने क्या किया था, IBM ने आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन 1943 में, और 1833 में क्या आया था, चार्ल्स वेबज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जो जो नेम इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है बी एफ स्किनर। अब बी एफ स्किनर ने क्या किया, बी एफ स्किनर ने अपना आर्टिकल पब्लिश किया था साइंस ऑफ लर्निंग और आर्ट ऑफ टीचिंग।
साइंस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ टीचिंग 1945 में इन्होंने अपना पब्लिश किया था आर्टिकल। तो उस आर्टिकल में इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी कि आप क्या करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ठीक है, ऑटोमेटेड टीचिंग डिवाइसेस को यहाँ पे यूज़ करो। तो उनके ये कहने पे बाद में जाके कम्प्लीटली यहाँ पे हमारे क्या होने लग गया, ऑटोमेटेड टीचिंग डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ होने लगे टीचिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिडिवल और मॉडर्न पीरियड में टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हुई। फिर आता है हमारा यहाँ पे 1929 और 1936 में, जब हमारा ओलंपिक गेम्स हुए थे बर्लिन में, ठीक है। उस ओलंपिक गेम्स को देखने के लिए यहाँ पे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट लगाए गए, ठीक है, हमारे इंडिया में, ठीक है। जब ओलंपिक गेम्स हुए थे तो ये एक तरह की एजुकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई। इसके अलावा यहाँ पे 1950 में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है, और जिसने एक तरह का अट्रैक्शन पैदा किया था किसके अंदर, टीचर्स के अंदर, ठीक है, जो कि अमेरिका थे। तो अमेरिका के जो टीचर्स के अंदर एक तरह का अट्रैक्शन पैदा किया उस टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आपकी कब आई, वेब 2 आ गई, ठीक है, वेब 2 आ गई यहाँ पे, वेब 2.0 करके ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। इसके अंदर क्या होता था कि यहाँ पे बच्चों के लिए ब्लॉग्स करवाना, शेयर करना, PPTs मेंटेन करना, लर्निंग मटेरियल्स डेवलप करना, तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप होने लगी। फिर 1956 में बेंजामिन ब्लू, जो कि जो USA से थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इन्होंने टेक्सोनॉमी दी थी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स की। और 1961 में जो माइक्रो टीचिंग टेक्निक थी वो मेनली किसने डेवलप की थी, ड्वेट WLN ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने हाईलाइट कर रखी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो जो हाईलाइट किया है वो देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया कि किस तरीके से हमारे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हुई थी, ओरिजिन कैसे हुआ था इसका, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मेनली जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है कि हमारे 5 स्टेजेस के अंदर डेवलप हुई है, 5 तरीके की फेजेस हम कह सकते हैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने इनका पीरियड देखा कि किस किस पीरियड में ओरिजिन हुआ था। अब हम देखेंगे 5 फेज कौन से हैं जो मेनली एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आपस में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे फेज आता है वो फेज आता है फेज 1, जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट रेवोल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये किसने दिए, ये एरिक एशले ने आइडेंटिफाई किए हैं 4 तरीके के रेवोल्यूशन, ठीक है। 4 तरीके के रेवोल्यूशन यहाँ पे एरिक एशले ने एरिक एशले ने यहाँ पे 4 तरीके के मेनली जो रेवोल्यूशंस है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, ये इन्होंने डिस्कस किए हमारे साथ, ठीक है, ये इन्होंने डिस्कस किए, तो हम उसी को यहाँ पे कर रहे हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक बार फिर से देख लेते हैं कि है क्या। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक तरह की मल्टी फेसिट है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, जिसके अंदर पीपल इन्वॉल्व है, प्रोसीजर्स, आइडियाज, डिवाइसेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। फील्ड ऑफ साइंस है, जो कि मेनली हम बोरो करते हैं कि किस तरीके से हम नीड एजुकेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको हम फुलफिल कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, इवेलुएट कर पाए, और किस तरीके से हम एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग को बढ़ावा दें। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन थी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एरिक एशले ने 4 तरीके के रेवोल्यूशन दिए थे, जो मेरी 4th स्टेज है इसको अलग से बांट दिया, मतलब ये 4 स्टेज के अंदर ही यहाँ पे आता है, ठीक है। 4 स्टेज के अंदर ही यहाँ पे ये इन्वॉल्व है, मैंने इसको अलग से 5th स्टेज बना दी है, ठीक है। तो ये इस 4th स्टेज को 2 भागों में मैंने बांट दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट रेवोल्यूशन है हमारा, बेसिकली यहाँ पे जो एजुकेटिंग सिस्टम था वो मेनली क्या हो गया था, यहाँ पे डायरेक्ट मतलब 1-to-1 से कम्युनिकेशन से ये एकदम से जंप होके आ गया था ऑडियो विजुअल एड्स का। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, कन्वेंशन तरीके से यहाँ पे एजुकेशन पढ़ाई जाती थी कि टीचर और मेनली बच्चों के बीच में सिर्फ अनुवाद होता था, ठीक है, ओरल और वर्बली बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन अब उसका यहाँ पे जाके रेवोल्यूशन हुआ और टीचर्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगी, और टीचर्स यहाँ पे चार्ट्स का यूज़ करने लगी, सिंबल्स का यूज़ करने लगी, मॉडल्स और स्पेसिमेंस का यहाँ पे यूज़ करने लगी। स्पेसिमेंस आप देखोगे जैसे कि बायोलॉजी लैब में हमारे होते हैं, जैसे मेंढक है और
ऑक्टोपस है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, स्पेसिमेंस हो गए, ठीक है, जो उनकी डेड बॉडीज है तो उनको संभाल के रखा जाता है एज अ मॉडल के रूप में। स्पेसिमेन का देख के टीचर पढ़ाने लगी, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करने लगी, चार्ट्स का यूज करने लगी, तो ये हमारा सबसे पहला स्टेज पे रेवोल्यूशन हुआ। फिर हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो सेकेंड जो रेवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, यहाँ पे अब जो यहाँ पे टीचर ने कुछ और जो मीडियम है वो अडॉप्ट करने लगी। अब टीचर यहाँ पे क्या करने लगी, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया, तो टीचर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज यहाँ पे करने लगी, टेक्नोलॉजी एनहांस होगी। अब टीचर यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स के साथ साथ प्रोजेक्टर्स का यूज करने लगी, टेप रिकॉर्डर्स का यूज करने लगी, रेडियो टेलीविजन का यूज करने लगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर हमारा थर्ड स्टेज पे जो यहाँ पे इवॉल्व हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, वो हुआ था कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का। अब टीचर क्या करने लगी, यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे यूज करने लगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यहाँ पे यूज करने लगी, ठीक है, जैसे प्रिंटिंग के अलावा और यहाँ पे मेथड्स होने लगे कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, पूरी तरह से कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज होने लगी, गूगल का यहाँ पे यूज होने लग गया, वेब ब्राउजर्स यूज होने लगे, सॉफ्टवेयर्स का यूज होने लग गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपका रेवोल्यूशन हो चुका पूरी तरह से, और यहाँ पे सारे के सारे मीडियम जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, यहाँ पे कैसेट्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गए, कंप्यूटर यहाँ पे आ गया, तो ये सब कुछ ये डेवलप होने लग गया, ठीक है, फोर्थ स्टेज के अंदर। और सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है जो कि टीचर यहाँ पे बनाने लगी बच्चों के लिए, जैसे कि पीपीटी यहाँ पे बच्चों के लिए बनाने लगी, ब्लॉग्स यहाँ पे बनाने लगी, जैसे कि ब्लॉग्स के थ्रू भी हम काफ़ी सीखते हैं, आर्टिकल का पब्लिश होने लग गया, टीचर्स आर्टिकल्स पब्लिश करने लगी बच्चों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होने के साथ साथ कई तरीके के छोटे छोटे ऐसे रिसोर्सेज है वो बच्चों के लिए बनाने लगी। फिर आता है फिफ्थ स्टेज। इस फिफ्थ स्टेज के अंदर कम्प्लीटली अब इंस्ट्रक्शन जो हमारा है प्रोसेस ये कंप्यूटर से होने लगे, जैसे कि अब आप देखोगे जूम मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट करवाती है टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, गूगल क्लासरूम हो गया, यहाँ पे वेब ब्राउजर्स का यहाँ पे यूज होने लग गया, ठीक है, तो इस तरीके से ही होगा। ठीक, समझ आ रहा है किस किस तरीके से यहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज होने लग गया फिफ्थ स्टेज के अंदर। अब ये पूरी तरह से 21st सेंचुरी का एक तरह के देख सकते हो रिवॉल्यूशन हो गया, 21st सेंचुरी की सारी नीड्स यहाँ पे फुलफिल होने लगी। ठीक, इसके अलावा अगर हम फिर से कुछ देखते हैं, ये आगे जो मैंने फेज एक एक है इसको मैंने डिटेल में बांटा हुआ है। अब इस एक एक फेज को हम एक बार देख लेते हैं क्या है, और इस एक एक फेज के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे इन्वेंट हुई थी वो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पेपर वन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और पेपर टू के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, तो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बारी आती है सबसे पहले फेज वन में। अभी हमने फेज वन पढ़ा कि क्या हुआ था, रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, कि यहाँ पे जो टीचर्स क्या करने लगी, टेक्नोलॉजीज का यूज करने लगी, ऑडियो विजुअल्स का यहाँ पे यूज करने लगी थी। तो उसी दौरान यहाँ पे 1977 में यानी कि 1977 में एप्पल टू इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एप्पल टू इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि सबसे पहला हमारा फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, और ये मेनली कहाँ यूज होने लगे, घर घर में ये कंप्यूटर यूज होने लगे, होम में, स्कूल में, वर्क सेटिंग्स में, तो इन कंप्यूटर्स का यूज होने लग गया। और ये कंप्यूटर सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर किसने डेवलप किया था, एप्पल ने 1977 में, एप्पल टू। ठीक है, फिर इसके बाद 1981 में जो IBM है हमारी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है, जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी अमेरिका की, तो उन्होंने अपना एक तरह का डोस यहाँ पे रिलीज किया था। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने रिलीज किया था कि किस तरीके से हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, अपने फाइल्स को स्टोर करें अपने कंप्यूटर में, तो वो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स है तो इन्होंने ये यहाँ पे डेवलप किया था और वो रिलीज किया था फर्स्ट अपना PC IBM, और इसके साथ साथ डोस यहाँ पे रिलीज किया, दो चीजें आई थी यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ 1982 में हमारा जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जो स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए बना हुआ था। ये जो कंप्यूटर का जो किस नेम से हुआ था, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, इस नाम से ये डेवलप हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस फेज वन के दौरान इस्टेब्लिश हुई थी। जो फेज वन देख रहे हो ना, फेज स्टेज, फेज वन एक ही है,
ये इस दौरान आया था। सबसे पहले क्या आया था, एक तो हमारा 1977 में सबसे पहला फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर ये एप्पल टू ने दिया था, ठीक है। और इसके साथ साथ 1981 में हमें जो IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने हमें यहाँ पे IBM का अपना कंप्यूटर दिया, फर्स्ट PC दिया जिसके अंदर DOS था, यानी कि DOS क्या था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये इन्होंने दिया। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली काम क्या है कि किस तरीके से फाइल यहाँ पे स्टोर हो पाए हमारे कंप्यूटर में, मैनेज कर पाए किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के फाइल्स को, तो ये इन्होंने दिया। और इसके साथ साथ 1982 में यानी कि 1982 में फर्स्ट एजुकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और इस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा न्यू एकेडमिक कोर्सेज स्टार्ट हुए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट किया गया, ठीक। इसके अलावा जो फेज़ टू है हमारा, फेज़ टू के अंदर अब हमारा कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर को एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज़ करने लगे स्टडी के लिए। फिर बाद में जो फेज़ टू आ गया, अब कंप्यूटर को एज अ प्रोग्रामिंग टूल हम यूज़ करने लगे। अब यहाँ पे कई तरीके की प्रोग्राम लैंग्वेज आई, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आए, ठीक है, जो कि इस कंप्यूटर को चला पाए, एप्स को चला पाए, फंक्शनिंग करवा पाए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके प्रोग्रामिंग टूल्स कई तरीके के आए थे। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आया, इंटरनेट प्रोटोकॉल आया, SMTP आया, ठीक है, सिंपल वे ट्रांसफर प्रोटोकॉल आया, HTTP आया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आए थे, ठीक है। किस तरीके से हम ये जो कंप्यूटर है उसकी प्रोग्रामिंग करा पाए, तो उसके लिए कई तरीके के आप यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे आई थी 1983 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैकिन्टोश ने, ठीक है, मैकिन्टोश ने एप्पल्स का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था डेस्कटॉप और आइकन अपना, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, एवरीडे लैंग्वेज इन यूजेस इन मोर वैरायटी ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसने मैकिन्टोश ने अपना एक एजुकेशन सॉफ्टवेयर जनरेट किया था, ठीक है, तो जो कि 1984 में आया था। इसके अलावा 1987 में हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया आया, ठीक है, जो कि क्या रेडली एक्सेसिबल किया गया किसके लिए, मैकिन्टोश कंप्यूटर में। अब ये जो सॉफ्टवेयर था हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया, ये किसके अंदर चलता था, मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के अंदर ये सॉफ्टवेयर चलता था, ठीक है। इसके अलावा 1919 में मल्टीमीडिया बूम यानी कि मल्टीमीडिया PC डेवलप हुआ था, जिसके अंदर सिमुलेशन हुआ सॉफ्टवेयर का, और काफ़ी इनको पॉपुलैरिटी मिली थी। यहाँ पे CD-ROMs यहाँ पे अवेलेबल होने लगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से फेज टू के अंदर आया था, प्रोग्रामिंग टूल यहाँ पे आ गया था, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो फेज थ्री आया, अब फेज थ्री भी कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा था कि फेज थ्री के अंदर रेवोल्यूशन हो गया था, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जनरेट करने लगी थी टीचर। अब यहाँ पे प्रिंटिंग के अलावा जो टीचर है वो कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने लगी, तो उसके लिए यहाँ पे इंटरनेट आया, ठीक है। अब वो पढ़ाया किस जाता था, इंटरनेट यहाँ पे डेवलप हुआ था। अब यहाँ पे WWW आया था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब आया था हमारा फेज थ्री में, ठीक है। अब ये कंप्यूटर को हम किस तरीके से देखने लगे, पहले तो कंप्यूटर को एज अ ऑब्जेक्ट देखते थे, फिर प्रोग्रामिंग टूल देखने लगे क्योंकि उसके अंदर कई तरीके की प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हुए। फिर बाद में जाके यहाँ पे हम कंप्यूटर को एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस कहने लगे, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, इंटरनेट आ गया, अब इंटरनेट का यहाँ पे यूज होने लग गया। अब इंटरनेट का यहाँ पे यूज होने लगे तो एज अ इसको रिसोर्स टूल हम देखने लगे। और ये सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है अपना, जो ब्राउजर है मोज़ेक, ये डेवलप हुआ था कब, 1993 में, ठीक है, जो कि फर्स्ट कमर्शली ये ब्राउजर था, अवेलेबल था, किसका क्या नाम था, मोज़ेक नाम था। और ये मोज़ेक किसने डेवलप किया था, ये आपकी NCSA ने डेवलप किया था, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ये वेब ब्राउजर था, ठीक है, 1993 में ये आया था। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेवलप किया था उसी पीरियड के दौरान, 1993 के पीरियड के दौरान, और साथ के साथ लोकल एरिया नेटवर्क भी इसी दौरान आया था, क्योंकि यहाँ पे नेट आ गया, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया यहाँ पे,
अब कनेक्टिविटी का सोर्स बढ़ गया, रिसोर्स टूल बन गया हमारा कंप्यूटर, तो इसके साथ साथ लोकल एरिया नेटवर्क भी यहाँ पे डेवलप हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे डेवलप हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन लिटरेसी होने लगी। अब जो पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो नेट के थ्रू होने लग गया और हमारी जो लिटरेसी होने लगी वो कंप्यूटर के माध्यम से होने लगी, डिजिटल बन गई। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ होने लग गया, यहाँ पे हर एक लेवल पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ होने लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया यहाँ पे नेटवर्क का, और इसके साथ साथ न्यू एप्लीकेशंस और न्यू वेव टेक्नोलॉजी की आ गई। ठीक है, फिर बाद में जाके फेज फोर, अब फेज फोर हमारा वेब टू है। अब वेब टू के अंदर क्या होने लगे, क्योंकि इंटरनेट आ गया पूरी तरह से, कि जो हमारा जो कंप्यूटर है वो सोशल टूल बन गया। अब सोशल टूल बन गया तो यहाँ पे ब्लॉग्स होने लगे, विकिपीडिया आ गया, सोशल नेटवर्किंग साइट आ गया, जैसे कि FB आ गया, ट्विटर आ गया, स्काइप आ गया, यूट्यूब आ गया, लिंक्डइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे शेयर चैट आ गया, विकिपीडिया आ गया, तो ये सब कुछ सारे के सारे ऐप्स यहाँ पे डेवलप हो गई। अब ये पूरी तरीके से हम क्या बन गए, अपने 21st सेंचुरी की नीड्स को कैटर करने लगे और हमारा जो पूरा जो कंप्यूटर है वो एज अ सोशल टूल बन गया। ठीक है, और इसके साथ साथ ICT लिटरेसी भी आ गई। ठीक है, कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन IT का यूज़ करें फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, ICT का किस तरीके से यूज़ करें, इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें, तो वो यहाँ पे लिटरेसी जनरेट होगी। अब यहाँ पे क्या होने लग गया, टेक्नोलॉजी को एज अ एजुकेशन सॉल्विंग प्रॉब्लम से देखा गया। ठीक है, ये आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा चार के चार फेजेस में यहाँ पे किस तरीके से जो हमारी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो रिवॉल्व हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था उसका। तो ये इंपॉर्टेंट है किस किस ने दी थी, ये पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बताया है वो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा बारी आती है हमारी अप्रोचेस, देख लेते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से होते हैं। अभी अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने अभी तक एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस पढ़ी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग, NEP के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, मिडिवल पीरियड में देखो, एंशियंट पीरियड में देखो, या स्टोन एज या आयरन एज के पीरियड में देखो, तो किस तरीके से एजुकेशन की टेक्नोलॉजी का इवॉल्व हुआ था, किस तरीके से ओरिजिन हुई थी। फिर इसके बाद में हमने ये देखा कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो मेनली वो चार फेज में होती है अकॉर्डिंग टू एरिक एशले। इन्होंने कहा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है एजुकेशन की, ये मेनली किसकी, चार फेजेस में हो रही है एरिक एशले के अकॉर्डिंग, और उस चार फेजेस को हमने अभी पढ़ा है डिटेल में। और हर एक स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेंशन हुए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही है जो हमने अभी पढ़ी। ठीक, आई होप आपको क्लैरिटी हो रही होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब बात आती है अप्रोचेस, देख लेते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अब अप्रोचेस कैसे होते हैं हमारे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स तीन तरीके के अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच ये है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिर आता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, और तीसरा आता है हमारा सिस्टम अप्रोच। ये तीन तरीके के अप्रोच है जो कि हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है ये पूछा जाता है एग्जाम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टैबुलेटेड फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये मैंने स्पेशली लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है और इन एजुकेशन क्या है। तो जब भी हम टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर अप्रोच है हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, और दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है तो यानी कि इन अंदर, तो यानी कि हार्डवेयर, तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर अप्रोच है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। जब भी हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ये मेनली किससे कंसर्न है, हमारे सॉफ्टवेयर अप्रोच से कंसर्न है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इसके अंदर आता है हमारा यहाँ पे। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है तो इसके अंदर सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जाते हैं, जैसे कि टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, रेडियो लैंग्वेजेस आ गया, लैब्स आ गया, टीचिंग मशीन्स आ गए, क्लोज सर्किट टेलीविजन आ गया, CCTV आ गया, LCD आ गया, LED आ गया। तो ये सारे क्या है, ये हार्डवेयर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है, और अप्रोच। और ये दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे जो कि आपके किसके ऊपर बेस्ड है, सिंपली ये क्या एम्फेसाइज करते हैं, ये एक तरह की टेक्निक बताते हैं टीचिंग और लर्निंग की, जो कि आपको मेनली कहाँ से ड्राइव हुआ है, आपके यहाँ पे आइडियाज से, साइकोलॉजी की फील्ड से, सोशोलॉजी की फील्ड से और साइबरनेटिक्स की फील्ड से। तो ये टेक्नोलॉजी की मतलब पहले क्या है कि यहाँ पे जब भी हम एजुकेशन के
पर्सपेक्टिव से देखें तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन यानी कि हार्डवेयर। अब उस हार्डवेयर को किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से फंक्शनिंग हो, तो उसके लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है ना। यहाँ पे तो उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किस तरीके से हम अपने आइडियाज़ को ट्रांसमिट कर पाए, यहाँ पे नॉलेज को यहाँ पे बढ़ा पाए, तो वो किसके अंदर आता है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको कोट करके कि यहाँ पे विदाउट हार्डवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर वो काम नहीं कर पाता, इसलिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे देखोगे एग्जांपल कि जो सीडी बर्नर है, सीडी बर्नर क्या है, ये यूज़फुल नहीं होगा विदाउट बर्निंग सॉफ्टवेयर। मतलब सीडी बर्नर आपका एक तरह का हार्डवेयर है, ठीक है, सीडी को यहाँ पे कॉपी करने वाला। अब जब तक उसका जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो आप सीडी को कॉपी नहीं कर पाओगे, सीडी ड्राइव चल ही नहीं पाएगी जब तक यहाँ पे आपका सीडी बर्नर सॉफ्टवेयर होगा नहीं। तो इसलिए जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के अंदर गैजेट्स आते हैं, वो गैजेट्स को किस तरीके से फंक्शन कराया जाए, तो वो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो सिल्वरमैन ने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि सिल्वरमैन क्या कहते थे, कि जो हमारा टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, एक तरह का कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। कंस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये एजुकेशन की नीड्स को, जो क्या ज़रूरी है उसको मेट कराने में मदद करता है। दूसरी तरफ आता है हमारा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की, तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की जो बात करते हैं वो कौन बात कर रहा है, सिल्वरमैन कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है मेनली क्या है, रिलेटिव टेक्नोलॉजी है, जो कि क्या फोकस करता है, रेफर करता है कि बोरो करना और अप्लाई करना टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को, डिवाइसेस को, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। यहाँ पे डिवाइसेस का यूज़ हो रहा है, फिजिकल डिवाइसेस का यहाँ पे यूज़ हो रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए। लेकिन जब भी बात आती है कि बच्चों की नीड्स को साइकोलॉजी के टर्म्स में, सोशोलॉजी के टर्म्स में, प्रैक्टिसेस को किस तरीके से केटर करें, किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन करें प्रॉपर मटीरियल का, और बच्चों की एजुकेशन नीड्स को फुलफिल करें, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसको ये कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। समझ आ गया दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है मैंने कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो आप इसको ही नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बारी आती है सिस्टम अप्रोच। अब ये हमारा तीसरा अप्रोच है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। सिस्टम अप्रोच क्या है, मेनली हमारा एक ऐसा स्ट्रीमलाइन, एक तरह का रोड मैप, जो कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को समझाने में मदद करता है कि यहाँ पे जो भी हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हर स्टेप में किस तरीके से यूज़ होती है। तो मेनली इसके अंदर चार तरीके के स्टेप होते हैं कि जब हमें अपने एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना होता है, तो ये इसके अंदर सिस्टमेटिक प्लानिंग करनी होती है, या डिज़ाइनिंग करनी होती है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, या इवेलुएशन करना पड़ता है। तो ये मेनली चार स्टेप्स के अंदर होता है कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनालिसिस और फीडबैक। जब भी इनपुट की बात करते हैं, तो इनपुट यानी कि स्टूडेंट्स, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इनपुट यहाँ पे आते हैं। फिर आता है प्रोसेस, कि अब जब यहाँ पे टीचर ने कोई इनपुट यहाँ पे बनाया, मतलब कोई लर्निंग मटेरियल यहाँ पे जनरेट करा, इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया, करिकुलम बनाया, और यहाँ पे जब उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग कराई कि टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस में अपनाया, ठीक है, जैसे कि करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पे जनरेट की, यहाँ पे लेकर आए, फिर किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट दिखा, तो मतलब मेनली क्या है कि किस तरह का सिस्टम है, चल रहा है कि सबसे पहले टीचर ने कोई भी इनपुट के अंदर अपना मटेरियल बनाया, इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया, अब उस इंस्ट्रक्शन मटेरियल को किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया, किसके अंदर, प्रोसेस के अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस के अंदर वो अपनाया, तो वो प्रोसेस के अंदर आ जाता है। फिर आता है आउटपुट, आउटपुट यानी कि जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ग्राउंड पे लाया, इंप्लीमेंट किया, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, कि बच्चों की परफॉर्मेंस किस तरीके से एनहांस हुई, उनका बिहेवियर कैसे चेंज आया, तो वो किसके अंदर आया, आउटपुट के अंदर, कि उनका पोस्ट होलिस्टिक एरिया किस तरीके से डेवलप हुआ। और लास्ट में जाके आता है फीडबैक। अब फीडबैक भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसके अंदर फीडबैक क्या है, कि बच्चों का क्या फीडबैक रहा, बच्चे सीखे कि नहीं, यहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छा गया कि नहीं, तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आया। तो
तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा एजुकेशन प्रोसेस है ये हमारा सिस्टमेटिकली तरीके से चल रहा है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर मतलब इन्वॉल्व है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे जाके हम कई तरीके की मीडिया देखेंगे जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, और क्लासिफिकेशन देखेंगे मीडिया का, ठीक है। उससे पहले एक तरह का प्रोसेस देख लेते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं सिस्टम अप्रोच के अंदर। कि मान लो अगर टीचर, यहाँ पे एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ साफ स्लाइड पे, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रोसेस के अंदर चलता है, क्या सिस्टम होता है हमारा एजुकेशन प्रोसेस का, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और एनालिसिस हम देखते हैं, ठीक है। फिर बाद में बारी आती है आपकी यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं कि जब भी हम यहाँ पे सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सिस्टम अप्रोच की बात कर रहे हैं, सिस्टम अप्रोच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो टीचर होती है वो आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम का। अब ये तो सब कुछ पता ही है, यहाँ पे हमने कई तरीके के ऐसे स्टेप्स पहले भी पढ़े हुए। जब टीचर को करिकुलम बनाना है तो भी वो टीचर आइडेंटिफाई करती है नीड को बच्चों की, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। तो वही आपको कह रहा है कि सिस्टम अप्रोच के अंदर टीचर क्या कर रही है, बच्चों के लिए अगर लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बना रही है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं नीड को और प्रॉब्लम को। जब वो टीचर नीड को और प्रॉब्लम को एनालिसिस वो आइडेंटिफाई कर लेती है, फिर उसको एनालिसिस करती है, एनालाइज करती है, ठीक है, एनालाइज करती है सिचुएशन को। जब सिचुएशन को यहाँ पे एनालाइज कर लेती है टीचर, फिर बाद में बारी आती है आपकी थर्ड स्टेप की। और ये थर्ड स्टेप क्या है कि यहाँ पे अरेंज करती है, वो अरेंज करती है चीजों को, अरेंज करती है फॉर गुड मैनेजमेंट, ठीक है, गुड मैनेजमेंट। जब टीचर ने आइडेंटिफाई कर लिया क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, एनालाइज कर लिया, फिर अरेंज करती है गुड मैनेजमेंट कि किस तरीके से वो अप्लाई करेगी, क्या चीज करेगी, एक तरह का ढांचा वो मेंटेन करने की कोशिश करती है। फिर बाद में जाके वो एक तरह का ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, आइडेंटिफाई करती है, ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। अब इसके भी कई तरीके के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को केटर किया जाए। अब प्रॉब्लम तो एक बड़ा एस्पेक्ट है, अब उसको भी थोड़ा थोड़ा स्टेप में बांटते हैं, आगे जाके सेग्रीगेट करते हैं। फिर यहाँ पे आता है जब ऑब्जेक्टिव्स बनानी है, फिर स्पेसिफाई करती है मटीरियल कि किस तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को हम क्या करें, मेट करवाएं। तो उसके लिए स्पेसिफाई करेगी क्या टीचर, मटेरियल्स, मटेरियल स्पेसिफाई करेगी यहाँ पे कि किस तरीके से वो बच्चे को पढ़ाएगी, कौन सा मटेरियल यूज़ करेगी, क्या कंटेंट यूज़ करेगी, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रही है, प्रिंट मीडिया यूज़ कर रही है, ICT यूज़ कर रही है, क्या यूज़ कर रही है, तो ये सब कुछ स्पेसिफाई करेगी। स्पेसिफाई करने के बाद एक तरह का प्रोटोटाइप बनाएगी टीचर, ठीक है, प्रोटोटाइप बनाएगी। प्रोटोटाइप एक तरह का ड्रॉ मतलब रॉ, आपका अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो रॉ है, रॉ स्ट्रक्चर है, ठीक है, रॉ स्ट्रक्चर है आपका इम्प्लीमेंटेशन कराने का, ठीक है, रॉ प्लान है, प्रोटोटाइप बनाया। फिर बाद में जाके उस प्रोटोटाइप को उन्होंने टेस्ट किया, ठीक है, प्रोटोटाइप को उन्होंने टेस्ट किया टीचर ने। फिर टेस्ट करने के बाद जो लास्ट स्टेज आती है, एनालाइज करना रिजल्ट की, इन रिजल्ट के क्या निकल कर आए कि बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी हुई कि नहीं, एनालाइज करना रिजल्ट की। फिर बाद में जाके यहाँ पे टीचर क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है और बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट कर देती है। और बाद में जाके एक तरह का सब्सिक्वेंट साइकिल यहाँ पे चलता है कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इम्प्रूव करना और नए तरीके से लेकर आना। मेनली अभी तो हमने ये देखा कि यहाँ पे सिस्टम किस तरीके से काम करता है, पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट और एनालिसिस में काम करता है। अब इस सिस्टम के अंदर भी हमने ये जाना कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्टेप्स आपको लिखे हुए थे, तो उस स्टेप्स को आई होप आपने ले लिया होगा, जो पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो वो स्टेप्स भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए थे, आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक, ओके। अब बारी आती है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखने की। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं ये है क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं, आईटी क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा एक क्या है कि हम किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को कलेक्ट करने में, स्टोर करने में, मैनिपुलेट करने में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, नीड को ऑर्गेनाइज करने में। जब भी हम यहाँ पे आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो मेनली इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना कि हम किस तरीके से अपनी जो नॉलेज है उसको आगे जाके डिसेमिनेट कर पाए, दूसरों के साथ पहुँचा पाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें। अब यहाँ पे कई तरीके के एग्जाम्पल्स है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, जैसे कि टेलीफोन का यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, या पर्सनल कंप्यूटर की तरफ से कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आईटी के अंदर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ब्लॉग करना, कोलैबोरेशन करना, सॉफ्टवेयर का कंटेंट मैनेजमेंट, तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसी को हम इंस्ट्रक्शनल मीडिया भी कह रहे हैं, ठीक है, आईटी कह रहे हैं इसको, इंस्ट्रक्शन मीडिया, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं, लर्निंग टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है मिली, तो ये देख लेते हैं। जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन को कैसे दे रहे हो, ऑडियो के फॉर्म में दे रहे हो, मतलब रेडियो का यूज़ कर रहे हो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यूज़ कर रहे हो, स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हो, ऑडियो टेप्स का यूज़ करो, या फिर विजुअल का यूज़ करो, जैसे कि टू डी टू डायमेंशनल चीज़ें, यानी कि मैगजीन से इंफॉर्मेशन दे रहे हो, टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, सप्लीमेंट्री बुक यूज़ कर रहे हो, रिटर्न मैटर यूज़ कर रहे हो, या फिर इसके अलावा आप जो विजुअल का यूज़ कर रहे हो, प्रोजेक्टेड मतलब 3D की फॉर्म में देख रहे हो, स्लाइड है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर रहे हो, फिल्म का यूज़ कर रहे हो, तो ये सब कुछ क्या आ गई कि आप किस तरीके से आप आईटी का यूज़ करो, और आईटी किस तरीके से सेग्रीगेट है, क्लासिफाइड है ऑडियो में, विजुअल में, विजुअल प्रोजेक्टेड स्टिल में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड मोशन में कि फिल्म दिखा रहे हो बच्चे को, किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, फिल्म देखकर कुछ सीख रहे हो, टेलीविजन देखकर, CCTV, वीडियो कैसेट्स, तो ये सब कुछ आ जाते हैं। फिर आता है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब एक से ज़्यादा चार मीडिया के जो पैकेजेस का यूज़ कर रहे हो आप, स्लाइड्स का, टेप का, वर्कबुक का, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए। इसके अलावा जो न्यू एमर्जिंग मीडिया जैसे कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आ गया, केबल टेलीविजन आ गया, सैटेलाइट, कंप्यूटर नेटवर्क, वीडियो डिस्क, मिनी कंप्यूटर, यहाँ पे डायरेक्ट टू होम टेलीविजन यानी कि D2H, एडूसेट, स्वयं, MOOC, तो ये सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है ये आपको बता दिया, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन भी बता दिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो हमारी क्लासिफाई होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई डाउट मत रखना, अगर कोई भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। इसके अलावा रोल क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये देख लेते हैं। आईटी का रोल क्या है, आईटी का मेनली रोल यही है कि ये आपके जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को, मतलब जो एजुकेशन के प्रोसेस को इजी बनाता है, ठीक है, इजी बनाता है, टीचर इजी तरीके से जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों के सामने लेक्चर को कन्वे कर सकती है, डिलीवर कर सकती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना पाती है, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस का टीचर यहाँ पे यूज़ करती है। इसके अलावा जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है टीचर की हेल्प करती है, एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प करती है कि बच्चों के ऊपर ट्रैक रखना, ठीक है, यहाँ पे बच्चों के ऊपर ट्रैक रखना। जैसे कि आप देखोगे पहले रिपोर्ट कार्ड्स बनाते थे बच्चों की, हाथ से बनाते थे, लेकिन अब क्या हो गया कंप्यूटराइज बन गई, तो ये भी सबसे अच्छा कन्वीनियंट सोर्स बन गया टीचर के लिए। अब आईटी का यूज़ करके बच्चों की जो ग्रेडिंग है वो आसानी से वो कंप्यूटर में फीड कर सकती है, एक्सेल शीट बना सकती है, स्प्रेडशीट वो बना सकती है, ईजिली बच्चों को एडमिनिस्ट्रेट कर पाती है, ट्रैक कर पाती है उनके परफॉर्मेंस को, तो ये सबसे अच्छा एक आईटी सोर्स है। इसके साथ साथ जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया, डिजिटलाइज बुक आप पे यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब जैसे कि बच्चा कहीं पे भी इसी तरीके से जो लेसन्स है मटेरियल्स है वो सीख सकता है, जैसे कि PDF के फॉर्म में जो आपको PDF यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, आप PDF से उसको आप कहीं पे भी बैठे अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसे पढ़ सकते हैं। बुक्स यहाँ पे डिजिटलाइज हो गई है, एक क्लिक करते ही यहाँ पे बुक खुल जाती है, एक क्लिक करते ही यहाँ पे वीडियो का लिंक आपको शेयर होता है, तो आप वीडियो का लिंक खोलते ही आप पूरा लेक्चर देख लेते हो, तो ये सब कुछ सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में। टेक्नोलॉजी कन्वीनियंट बनाता है एजुकेशन के प्रोसेस को, इंटरेस्टिंग बनाता है, एंटरटेनिंग बना देता है हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे एजुकेशन के सिस्टम को। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सेसिबल बनाता है कि जो बच्चा यहाँ पे इसी तरीके से इंफॉर्मेशन जाकर नहीं ले पा रहा,
एजुकेशन नहीं ले पा रहा, तो डिस्टेंस मोड में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, घर बैठे बच्चा सीख रहा है। अब जैसे कि हम भी है, हम दूसरे एक दूसरे से सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? यहाँ पे नेट के माध्यम से सीख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, तो ये इसके अंदर आ गया। इसके साथ साथ जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्प करता है रिसर्चर्स की कि वो अब उन्हें भटकना नहीं पड़ता, ई जर्नल्स के लिए लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ता। अब वो क्या करते हैं, ई शोध सिंधु का यूज़ कर लेते हैं, शोध गंगा का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, आईसीटी इनिशिएटिव्स का यूज़ कर देते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें कहीं और जाने की भटकने की ज़रूरत ना पड़े, इजी घर पे बैठ के वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये इसका रोल होता है। अब लास्ट बारी आती है आईसीटी की। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। अभी हमने बात किया आईटी, आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये देख लेते हैं, जो आईसीटी हमारा क्या है, एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि सपोर्ट करती है एक्टिविटीज़ को, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है कि मेनली हम किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन को कन्वे तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ना सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरे लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये सब कुछ हमारा आईसीटी के अंदर आ जाता है, और आईसीटी हमारा एक तरह का ब्रॉडर एस्पेक्ट है। अब जो आईटी है वो हमारा क्या बन गया, आईसीटी बन गया, क्योंकि इधर क्या हो गया, सोशल मीडिया आ गया, ठीक है। सोशल मीडिया यहाँ पे आ गया, अब सोशल नेटवर्किंग यहाँ पे आ गया। पहले एक्सपेक्ट नहीं था आईटी में, जो हमारा मेनली क्या होता था, आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे सिर्फ और सिर्फ एक से दूसरे जगह अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने में। लेकिन अब क्या हो गया, सोशल नेटवर्किंग आ गया आईसीटी के अंदर, अब दूसरों लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, अब कम्युनिकेट कर पाते हैं उन लोगों के साथ, घर बैठे उनसे बात कर पाते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, शेयरेबल बन गई हमारी इंफॉर्मेशन, तो ये आईसीटी के अंदर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स आज का सेशन अच्छा लगा होगा, हमने काफ़ी चीज़ें आज सीखी है। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कल जो सेशन होगा उसके अंदर और हम गहराई से पढ़ेंगे। अभी हमने क्या सीखा, एक बार मैं सम अप कर देती हूँ, यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी सीखा, इसके साथ डेफिनेशन सीखी जो इम्पोर्टेंट थी, इसके साथ जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है हमारी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई थी, ओरिजिन कैसे हुआ था, हर एक पीरियड में देखा, सिविलाइजेशन देखा। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो स्टेजेस के अंदर, मतलब 4 फेज के अंदर रिवॉल्यूशन उसका हुआ था, और वो हमने उसको वो भी देखा कि कौन से फेज में क्या आया था। यहाँ पे IBM कब आया था, फर्स्ट हमारा कंप्यूटर कब आया था, माइक्रो कंप्यूटर कब आया था, चार्ल्स बैबेज ने क्या दिया था आपको, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब फर्स्ट के साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमारे जो अप्रोचेज होते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, तो 3 तरीके के अप्रोचेज थे। एक था टेक्नोलॉजी इन, जिसको हम हार्डवेयर कह रहे हैं, दूसरा था टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसको हम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, और सिस्टम अप्रोच कि किस तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, एजुकेशन सिस्टम है, वो किस प्रोसेस में चलता है, कि 4 तरीके के स्टेजेस पे चलता है, कि इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, इवेल्युएशन है, फीडबैक है, इससे चल रहा है। फिर लास्ट में जाके हमने क्या देखा, आईटी पढ़ा, आईटी क्या है और गहराई से पढ़ा, और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा कि आईटी मेनली किन किन चीज़ों में क्लासिफाई है, कि ऑडियो है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल एड्स है, स्टिल है, मल्टीमीडिया है, ये हमने पढ़ा, और लास्ट में जाके हमने आईसीटी की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, फिर हम सेशन को माइंड अप करते हैं। और जो जो आज इंफॉर्मेशन बताई है ये बहुत ही ब्रॉड वे में बताई है ये एग्जाम में, एंड आई होप आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली हर चीज़ को हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ आ जाए। और ये हमारे जो हर पेपर में आते हैं, चाहे आप एंट्रेंस दे दो PhD का, या फिर आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स है जो कि लिए थे MHRD के, ये सब पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आगे जाके करेंगे, नो डाउट हमेशा आएंगे वो आगे जाके सेशन में उसे करेंगे। अभी क्वेश्चन कर लेते क्या है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. अब आपसे क्या कह रहा है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आप क्या कर रही हो, इंफॉर्मेशन को स्टडी करना, डिजाइन करना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना, और मेनली कैसे हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है सॉफ्टवेयर का और इसके साथ साथ हार्डवेयर का. तो ये क्या रेफर कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, या आईडीटी है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अब यहाँ पे देख लो की पॉइंट है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और हार्डवेयर एप्लीकेशन, तो ये अभी हमने डिस्कस की थी किसके अंदर आती है. गुड एवरीवन, सो यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका राइट आंसर हमारा आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एप्लीकेशंस है और इसका यूज करके हम जो मटेरियल को डेवलप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी, तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है, आईटी के अंदर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म आईसीटी इज और आर ट्रू. अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. आईसीटी का एक्रोनियम क्या है कि ये क्या स्टैंड करता है, फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, या क्यू कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट एग्जाम्प्लीफाई आईसीटी इंक्लूड्स द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम. अब इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, क्यू इसका राइट आंसर है. बैठ जाओ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है आपको कि द यूज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज हेल्पफुल इन, किसके लिए हेल्पफुल है ये, कि प्रमोटिंग द लर्नर इंटरेस्ट, एंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, या सी फैसिलिटेटिंग द लर्नर्स टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम वेरिड लर्निंग रिसोर्सेज, या डिटरमाइनिंग द लर्नर स्टेटस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, या फिर ई मेकिंग द लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस. इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके सो गुड, इसका जो राइट आंसर है ये राइट आंसर हमारा 3 है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, यानी कि इसका जो नेगेटिव ऑप्शन था वो ये है, डी, ठीक है, ओके. सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अगर कैसे लगा सेशन यू कैन प्रोवाइड माई फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो ये जो मेरा टेलीग्राम लिंक है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे एट होम, थैंक यू.